अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? आपका भाई भी बिल्कुल फिट फाट? यस, मैं से थोड़ा सा ख़राब, नज़ला ज़ुकाम हुआ पड़ा, मुझे पता नहीं क्या मसला बन गया है। और चेक करो कहाँ पे आया हूँ मैं बताता हूँ आपको, ये चेक करो, अपने गांव आया हूँ मैं। हम आए अपने गांव इलेक्शन के लिए वोट डालने, जो हमारा हक है, और इसलिए आपका भाई वोट डालने आ गया। इतनी दूर से अपने गांव अभी मतलब आके पहुंचा ही हूँ मैं, और अब सुबह इंशाल्लाह वोटिंग होगी यहाँ पे, और आपको दिखाता भी हूँ। ये सामने स्कूल है जिधर, ये देखो लाइटें शाइटें चल रही हैं, यहाँ पे वोटिंग शोटिंग होनी है, सारा निज़ाम यहाँ पे सेटमेंट होगा। और आपका भाई देखो बिल्कुल सामने, ऐसे यहीं से देख रहा ना, कोई धांधली तो नहीं कर रहा, कुछ कीमत तो नहीं लगा रहा, यहाँ से ऐसे 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 देखने में ऐसे ऐसे कर रहे। और यस, मैं सारा सीन है, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। और क्या कहते हैं, देखो अब क्या बनता है क्या नहीं बनता है, हम मिलेंगे आपको सुबह, और इंशाल्लाह उससे पहले ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो शूट लाइक करो, कमेंट में बताना कि क्या सीन रहा है आपके हलकों में, क्या सिस्टम रहा है, लाजमी बताना मुझे, ठीक है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई साहब ये लगा दिए इन्होंने इंतखाबात के जो असूल वगैरह है ना, रूल वगैरह, टर्म्स एंड कंडीशन वो लगा दिए, वो सामने आवाम भी नज़र आ रही थोड़ी थोड़ी, और अभी बस शुरू हो जाएगा काम। या तो ये वोट देने वाले हैं या फिर वैसे ही खड़े हुए हैं, देखते हैं अभी क्या बनता है। ऐसा नाश्ता वगैरह आया था पर उन्होंने कर लिया, और अब वो उधर आवाम खड़ी हुई है वोट के लिए, बस अब काम शुरू होगा। इधर मेरे ख्याल से लेडीज़ ने जाना है, इधर जेंट्स से बंदे बुढ़िया। और आपको भाई भी अब तो आ गया फ्रेश होके, भाई साहब काम शुरू हुआ, डब्बे शब्बे पड़े हुए हैं वो पैक कर रहे हैं, और अभी यहाँ से शुरू हो जाना। हाँ भाई तैयार, फिर वोट लो। ओके पूरे पार ना खैर। भाई साहब इधर भी रश लगा हुआ, इधर पर्चियाँ बना रहे हैं मेरे ख्याल से। को ये बंदा तो जानने लग गया, पर्ची वगैरह इधर बनवा रहे हैं सारा सिस्टम। बच्चे ये चेक करो, इनका तो कोई काम ही नहीं है इधर, फिर भी बहुत ज़्यादा रश है। सब दादा वो हमारे लग गए लाइन में, मेरे ख्याल सबसे पहले लगे हुए हैं बाकी नीचे, और ये रश चेक करो हो रहा है। आर्मी वाले भी आ गए हैं, एक ये है और एक मैं आपको फिर दिखाता हूँ, वो आ रहा है, एक वो आ रहा है, दो दो गाड़ियों में तो आर्मी वाले आ रहे हैं इधर। साहब ये सामने स्कूल है, आपका भाई आ गया इधर, मेरा वोट बना हुआ है, और सात वाला गांव है, मतलब उधर हमारा वोट बना दिया ना, मैं नवे बंदे इतने ने, मेरा पहला वोट है ना, तो इन्होंने इतने रख लिया, और इधर अभी हम वोट डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। भाई साहब ये स्कूल है जहाँ हमने वोट डालने, और हमारे साथ शानी भाई भी हैं। हाँ जी भाई तैयार हो जी? बिल्कुल तैयार, वेरी गुड। अब ये चेक करो, आपका भाई भी वोट शोट डाल है, बड़ी लंबी वाली लाइन लगी हुई थी, मैंने उनको ना पहले मैं बड़ी लंबी वाली लाइन में लग गया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा काम खराब है, फिर मैंने उधर मतलब बंदे को दिखाया, मैं कहा यार ये कौन सा है, कहता यार तू इस लाइन में क्या कर रहा है, भाई बड़े लोग कसम से झूठ नहीं बोल रहा, ऐसे ही हुआ। फिर मैंने दूसरी लाइन में, उधर कोई है ही नहीं था, सारे देख रहे मेरी तरफ, आपका भाई गया, मेरा कोई लाइन नंबर चेंज था या कुछ ऐसे था सीन, सब कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी, वीडियो नहीं बनाई उधर की क्योंकि वो बनाने नहीं दे रहे थे, और गया सबसे पहले डाल के, मैं वोट डाल के भी आ गई, अभी वो लाइनों में खड़े हुए हैं, चेक कर रहे हो, और फेमस लोग फिर ही नहीं ना होते, आपका भाई मैं क्या तो बहुत फेमस हो गया, देख रहे हो, मैं तो सोच रहा हूँ अगले साल अगली दफा इलेक्शन में खड़ा आ जाऊँ। हाँ जी हाँ बस ठीक है, अगले दफा मैं इलेक्शन में खड़ा आ रहा हूँ, आवाम बहुत आ गई यार, मेरे जानने वाले फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई है। बाकी वोट शोट आपके भाई ने डाल दिया, अपनी जिंदगी का पहला वोट डाला, और देखते हैं आगे इंशाल्लाह क्या कुछ होता है। वैसे बड़ा सीरियस काम चल रहा है इधर, सारी पार्टियां बहुत सीरियस है, मुकाबला बड़ा हैवी होने वाला है इधर, और अभी हमारे साथ का लड़का वो आ रहा है, वो बेचारा दूसरी लाइन में लग गया मेरे ख्याल से, वो आता है तो फिर चलते हैं घर वापस। अच्छे तो वीडियो बनाने दे जाते, हम ऊपर आ गए, ये हैं खवातीन बैठी हुई इस साइड पर, और ये भाई आदमियों के बंदों की लाइनें लगी हुई, दो दो लगी हुई, सही काफ़ी वाम आ रही है, मतलब
वोट शोट डालने, हम तो डाल आए हैं पहले। अब तकरीबन 4 बजने वाले हैं और अब रश ख़त्म हो गया, थोड़ी सी एक लाइन लगी हुई है वहाँ पे। ये तो बस वैसे ही तमाशा ही है और औरतों की तरफ से यही सीन है, मतलब पूरा होने वाला काम इधर तो आवाम ख़त्म होने वाली है और अभी फिर भी टाइम रहता है कोई 2 घंटे। तो पूरे 5 बजने में कोई 2-3 मिनट रह गए हैं और थोड़ा सा रश वैसे ही है और अंदर भी तकरीबन खाली हो गया। ये थोड़े से आवाम रहे तो चेकिंग शेकिंग वाले होंगे, बस बाकी तकरीबन इधर से खाली हो गया। लेडीज़ हैं 2-4 अभी बस, बाकी यस मैस हो गया, जल्दी आ जाएगा यहाँ पे तो नतीजा ना। फिक्र भाई साहब लड़ाई हो रही है इधर, वो देखो हम इधर फुल टाइम कैमरा मैन ही कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं वो लोग, वो देखो ये देखो ये चेक कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग, बदतमीजी कर रहे हैं साहब। ये चेक करो ये आवाम कैसे धड़ाधड़ जमा हो गई, इतनी तो वोटों का टाइम था यहाँ पर रश, जितना लड़ाई टाइम हो गया और बहस अभी भी चल रही है स्टिल। मैं कहता हूँ यमपम काम है इधर साहब। वो सामने ना जो कमरा है ना स्कूल का, वो नज़र आ रहे होंगे आपको, देखो वहाँ और थोड़ा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा पर कोई नहीं। इधर ही देखो काउंटिंग हो रही है और ये सेटमेंट कर रहे हैं सारे कागज़ वगैरह को, देखो अब क्या बनता है, थोड़ी देर में फैसला आ ही जाएगा। भाई साहब रश चेक करो इधर भी, ये और ये हाँ भाई चाचू बैठो फिर है वहां में रश लगो पड़ो है ना शेर एक बार फिर हो गया टेर। तकरीबन 1200 वोट में कास्ट हुई है सिद्धरा की वो जो लाया की 178 यार उरे लवा तू तो हां इतना यार मैं यहां का विलोगन ब्लॉक कर दियो तो मैं ऑनलाइन करो यहां का मैनू करूं भाई जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे कहा के मैं आपसे विनती करता हूं इसके विलोग जो भी व्लॉग बनाता है तेरा वोट जाया होगा मारो प्लीज रिपोर्ट मारो इस बंदे को ये बहुत खच बंदा है तेरा वोट जाया होगा यार बहुत अफसोस हो यार सबसे ज्यादा टाइम तेरे लगाया ही ने और वो बहुत अफसोस हो रहा है आज जिंदाबाद बड़ा हरामी हो बेटा। हमारे उधर जो पोलिंग स्टेशन था ना उधर से तो रिज़ल्ट आ गया है, उधर से मतलब जो नूली के थे उनके 300 वोट प्लस निकले हैं और बाकियों के पता नहीं कितने कितने थे, किसी के 150-170 इस तरह करके। अभी हम आ गए दूसरे पोलिंग स्टेशन पे, ये शानी भाई को साथ लेके आए और बाकी और भी हैं पर अभी तो मैं ही आया हूँ इधर और बाकी गए चले हैं। देखते हैं अभी इधर क्या हो रहा है, इधर अभी रिज़ल्ट लेट है क्योंकि इधर ज़्यादा वोट है, देखते हैं क्या बनता है। भाई साहब ये इसके अंदर थोड़ी लाइव वोटिंग चल रही है, अब लोग हम दूसरी जगह पे आए हैं, ये सही है। हाँ जी यार इसको लेके हम आए पर ये हमारे खिलाफ हो ही जा रहा है, खैरियत भाई जान आ गया शेर एक बार फिर। भाई साहब ये आवाम चेक करने के लिए रिजल्ट बेताब है कि देखो क्या बनता है क्या नहीं बनता, और हम अब इनके साथ ही हैं, हम भी इंतजार में हैं। भाई साहब वो आपको चेक करा तो सुगल मिला, हम तो पहले आ गए थे, वो चेक करो, चेक कर रहे हो मेरा चेक कर रहे हो, अभी इधर आता फिर दिखाता हूँ आपको। भाई साहब आज का जो इलेक्शन डे था ना वो हमारा अभी ख़त्म हो रहा है यहीं पे, बहुत ज़्यादा मेरी भी तबीयत ख़राब है, आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा इस व्लॉग में। और बाकी ये है कि
निज़ाम ठीक रहा, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ, कोई कहते ना कोई धांधली होती है या कोई दो नंबरी, इधर तो कोई ऐसा सीन नहीं था। पहला वोट भी आपके भाई ने डाल लिया, मैं थक गया हूँ, भागा भागा आया हूँ, और स्कूल भी है चेक कर, खाली हो गया, अब कोई भी नहीं रहा है यहाँ पे, और नतीजे अभी बस आ ही रहे हैं। बड़ी वोट में इधर हमारे नून लीग जीत गई है, और छोटी वोट में इधर से 27 वोट से मेरे ख्याल से हारी है, बाकी दूसरे गांव में उसने ज़्यादा वोट ले लिए हैं, सात वाले में, मतलब वो हिसाब किताब ये बड़ी में जीती जा रहे हैं। और दो वोट होते हैं ना, एक NA और एक PP वाला, तो उसमें ये सिस्टम है। देखो अब क्या बनता है, अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी कल तक सही आएंगे रिजल्ट। आपका भाई तो भाई ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा है, आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों के वहाँ पे कैसे सिलेक्शन हुआ है, कौन जीता है बताना ज़रूर मुझे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करना, इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।